Hello everyone and Assalamu alaikum. This is Shilpa Yasmin. Welcome back to my channel. आज एक बहुत मजेदार सी डिश मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आप आसानी अपने घर में बना सकते हैं और रेस्टोरेंट का मजा ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से बनाऊंगी जिस तरह से रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं और वहां पर आपको सर्व किया जाता है। अब डिश कौन सी है? यह है व्हाइट कढ़ाई। तो आज हमारा मूड है सहरी में व्हाइट कढ़ाई खाने का, तो मैं व्हाइट कढ़ाई बना रही हूँ। ये चिकन है मेरे पास, आपकी मर्जी। ये तकरीबन 12-15 पीसेस है मेरे पास जो कि मैंने छोटे छोटे कटवा लिए थे। अब इसको जो है वो हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जिस तरह मैं वर्किंग करती चली जाऊंगी आपको तमाम चीजें जो है वो दिखाती भी रहूंगी और बताती भी रहूंगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ अज्जा रखे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। जरा सा ये ड्रायर जो है इसको लोहे की ये कढ़ाई है जिसमें मैं इसको तैयार कर रही हूँ, लेकिन आपके पास जो भी कढ़ाई अवेलेबल है आप उसमें इसको आसानी बना सकते हैं। ये थोड़ी सी गर्म हो जाए, तकरीबन 1 कप से ज्यादा ऑयल है मेरे पास, ज्यादा ऑयल है जिसको मैं थोड़ा सा गर्म होने दूंगी और इसमें मैं ऐड करूंगी तकरीबन 1 चमची नमक। ठीक है, नमक को हम बाद में भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अभी इसमें मैंने 1 चमची नमक डाल दिया। फिर थोड़ा सा गुलजर नमक। अब इसमें हम इस चिकन को ऐड कर रहे हैं। चिकन को हमें उसको तक फ्राई करना है जब तक कि इसका चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इस तेल से आप परेशान नहीं होइएगा, ये तेल जो है अभी थोड़ी देर में निकाल दीजिए। अब ये देख लीजिए चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, चिकन का कलर लाइट सा ब्राउन हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं आपको बिल्कुल मैंने इसको बंद कर दिया है आपको, और अब मैं क्या करूँगी वो मैं आपको शेयर करती हूँ। मैंने आपको चिकन को दिखाया कि चिकन किस तरह से उसने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये मुझे इसमें से निकाल देना है। ये ऑयल खराब नहीं होगा, आप कुछ और पकाएं तो आप उसमें डाल सकते हैं। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल मुझे छोड़ देना है। ज़रा सा इसका एक लुक दिखाती हूँ क्लोज करके, ताकि आपको पता चले कि ऑयल कितना इसमें छोड़ा गया है। ये बस इतना सा ऑयल मैंने छोड़ा है, बाकी सारा ऑयल मैंने निकाल दिया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँ। मैंने पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है, और इसके साथ साथ जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि इसमें थोड़ा सा मुझे पानी डालना है ताकि चिकन को मैं गला सकूँ। बस इससे ज़्यादा मुझे पानी नहीं डालना। अब हम चिकन को गलने देंगे। आंच थोड़ी सी मैं तेज करूँ ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए। इसमें एक बॉयल आ चुका है, मैं आंच को थोड़ा धीमा कर रही हूँ ताकि चिकन गल जाए, बहुत इजीली गल जाएगा, और ये मैंने इसको कवर कर दिया। 5 से 10 मिनट हमें लगेंगे ताकि चिकन जो है वो थोड़ा सा गल जाए। इसके बाद क्या स्टेप करेंगे, जब तक चिकन गल रहा है मैं क्या करूँगी कि मुझे थोड़ी सी हरी मिर्चें जो है वो काटनी है, ज़रा सी लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि हरी मिर्चों के मैंने ये हेड्स जो है वो निकाल दी हैं। अब इसको मैं सिंपली कट करूँगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लंबाई में ही काटें, आप इसको गोल भी काट के डाल सकते हैं, सब टू। मैं थोड़ा सा लंबा इसको कट कर रही हूँ, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जी अगर आप गोल डालेंगे तो उसके टेस्ट में कोई फर्क आ जाएगा। इसकी हरी मिर्च मैंने कट कर ली है, और अभी चिकन को गलने में थोड़ा सा वक्त है। जब ये गल जाएगी तो उसमें हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। थोड़ी देर आज थोड़ी मैंने धीमी कर दी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या चीज़ें हमने ऐड करनी। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो एक मेन पॉइंट है वो ये है कि ये देख लें, इसमें जितना भी पानी था थोड़ा सा पानी मैंने डाला था, लेकिन जो बाकी पानी है वो चिकन में से निकला है। ठीक है, हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर। ठीक है, और इसके साथ साथ
ये 1 teaspoon धनिया पाउडर है। यहाँ पे मिंकू मेरे पास है जो कि मुसलसल बोल रहा है। इसके साथ इसमें ये तकरीबन 1.5 tablespoon कोकोनट पाउडर है, ये भी हम ऐड करते हैं। और इसके साथ हमें एक और चीज ऐड करनी है, ये है व्हाइट पेपर, ठीक है, सफेद मिर्च जिसे दखनी मिर्च भी कहते हैं, ये 1 teaspoon मैंने ये भी ऐड कर दी। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसी स्टेज पे हमें इसका नमक भी चेक कर लेना है। नमक बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे इसमें मजीद नमक ऐड करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप में से कोई ऐड करना चाहे तो फिर इस स्टेज पे आप नमक ऐड कर सकते हैं। इसको हम अगले ढक देते हैं और मैं आपसे मिलूंगी 5 मिनट के बाद। ये चिकन जो है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया। इसमें हम अभी जो चीजें डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने आँच को जो है वो बिल्कुल स्लो कर दिया है, जैसे धीमी, हम जिसे धीमी आँच कहते हैं ना, बिल्कुल वैसी कर दिया, दम वाली आँच जो भी है उस पर मैं इसको ले आई हूँ, क्योंकि इसमें मैं क्रीम ऐड करूँगी। जब भी कोई क्रीम आप ऐड करते हैं या दही आप ऐड करते हैं तो आपको आँच को बिल्कुल हल्का कर देना होता है, दम वाली आँच पर इसको लाना पड़ता है, अदरवाइज क्रीम या दही जो है वो फट जाती है। तो ये तकरीबन 1 प्याली है मेरे पास, या 1 छोटा प्याला है क्रीम का, वो मैं ऐड कर, और इसे मुझे इसी हल्की आंच में पकाना है। आंच बिल्कुल भी तेज नहीं करनी, अगर आपने आंच तेज की तो ये क्रीम जो है फट जाएगी, और दूसरा जो उसके साथ सबसे बड़ा मसला आएगा तो टेस्ट नहीं आएगा। तो टेस्ट लाने के लिए हमें इसे धीमी आंच में ही पकाना है, और तकरीबन ये तो इसी क्रीम 5 मिनट तक पकेगी। 5 मिनट तक पकेगी तो क्रीम का अपना एक जो फ्लेवर होता है ना, गाढ़ापन, वो इसमें आ जाएगा। और अच्छा, आपको थोड़ा सा इसमें शोरबा ज़्यादा लगेगा, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा शोरबा खाया जाता है और रोटी के साथ खाने में मज़ा आता है, तो फरमाइश यही आई थी कि जी इसमें शोरबा थोड़ा ज़्यादा रखें। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको थोड़ा ड्राई फॉर्म में बनाना चाहते हैं या आप इसको शोरबे के साथ रखना चाहते हैं। इस स्टेज पर हम इसको ढकेंगे और ढक के 5 मिनट के लिए कुको लेंगे। तो मैं आपसे मिलूँगी 5 मिनट के बाद। बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो क्रीम है ना वो गाढ़ी हो चुकी है और इसने अपना एक फ्लेवर जो है वो भी डेवलप कर लिया है, तैयार हो गई है। अब इसमें हम फाइनली एक चीज़ डालेंगे और वो है 1/4 teaspoon मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ, 1/4 teaspoon इसमें गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये जो हरी मिर्च हमने काट के रखी थी वो इसके ऊपर थोड़ी सी डाल देते हैं, इसको मिक्स कर लें। इसे मजीद हमें और नहीं पकाना है, ये कुक हो चुका है, ये बिल्कुल तैयार है, ये सर्व करने के लिए तैयार है। चलिए जी, ये थोड़ी सी मैं ऊपर डाल देती हूँ ताकि अच्छी लगे। और अब हम यहाँ पर चूल्हा बंद कर देंगे, बस हो चुकी है। और इसको मैं बिल्कुल ही नहीं किसी डिश में निकालूंगी, ये इसी तरीके से टेबल पे रखी जाएगी और गर्म गर्म रोटी जो है उसके साथ इसको खाया जाएगा। वैसे आपकी मर्जी है, आप चाहें तो नान के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन सहरी का टाइम है तो मैं रोटी प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो डाइजेस्ट भी इजीली हो जाती है। इसको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत आसान से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और इसके साथ साथ कुकिंग टाइम इसका इतना ज़्यादा नहीं है, तो बिल्कुल आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली वाइट चिकन है जैसे वो बनती है, बस ये आपकी मर्जी है कि इसमें आप मसाला ज़्यादा रखते हैं, मसाला कम रखते हैं, तो अपने घर के हिसाब से आप चीज़ों को थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर शिकायत यास्मीन को दीजिए इजाज़त। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और इसके साथ साथ आप अपने घर पे बनाइए और आज ही बनाइए, और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि घर वालों ने क्या कहा। शिकायत यास्मीन को दीजिए इजाज़त। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।